आप देख रहे हैं सियासत। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं से राजनीति के अखाड़े में प्रकट हो ही जाता है, लेकिन इस बार लव जिहाद का मुद्दा हिंदू वोट नहीं ईसाई वोट साधने के लिए सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। केरल में भाजपा एक अलग रणनीति के साथ अपना मैदान तैयार करने में जुट गई है। हिंदू मतदाताओं को लुभाने के अलावा अब ईसाई धर्म के लोगों को भी साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा यहां के ईसाई संगठनों के बीच इस्लामिक सोच के खिलाफ पनप रहे गुस्से का फायदा उठाना चाह रही है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोट्टयम जिले में जिला कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने कन्हैया कैथोलिक आर्क बिशप मैथ्यू मुलक्कट और चगन रेसरी के मेट्रोपॉलिटियन आर्क बिशप मार जोसेफ पेरुम थोटम से मुलाकात की। बता दें कि ये दोनों केरल के शीर्ष कैथोलिक पादरी माने जाते हैं। राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि इस मीटिंग में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की बात कही गई। इसके जरिए चर्च और भाजपा के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। भाजपा नेताओं का ये भी मानना है कि केरल में लव जिहाद के मुद्दे पर उसकी सोच वही है जो ईसाई धर्म की है। वहीं कुछ पादरियों ने राज्य में मुसलमानों पर लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद का आरोप भी लगाया है। थाला रसेरी आर्क बिशप जोसेफ पाम्पलानी ने सभी चर्चों में एक पत्र भेजा था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि कुछ चरमपंथी समूह ईसाई लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिश्चियन एसोसिएशन और अलायंस फॉर सोशल एक्शन ने अप्रैल में आयोजित हिंदू महासभा में लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। जेवियर खान वटियल सहित कैथोलिक चर्च के कुछ प्रमुख पादरियों ने कासा को समर्थन भी किया था। कासा के कुछ सदस्य भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे में भी सक्रिय है, पर कासा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भाजपा के साथ सीधे संबंधों की घोषणा नहीं की है। केरल में भाजपा मुस्लिम वोटर्स से मुकाबला करने के लिए ईसाई वोटर्स को अपने साथ जोड़ रही है। बता दें कि राज्य में ईसाई आबादी 18.38% है। ईसाई आबादी में भी सबसे बड़ी इकाई कैथोलिक है। केरल की वामपंथ सरकार ईसाई मुस्लिम गठजोड़ के कारण ही सत्ता पर काबिज है। इसी महीने कोच्चि में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के प्रदेश नेतृत्व से जनाधार न बढ़ा पाने के चलते नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने जनाधार बढ़ाने की बात कही। बैठक के बाद ही भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल प्रभारी नियुक्त किया। अभी के लिए सियासत में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और सियासी किस्से, कहानी या विश्लेषण के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।